भाइयों कैसे हो आप सब। हम आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं, अगर आपके पास कोई भी स्मार्टवॉच है उसका डिस्प्ले ब्रेक हो गया है तो वो वर्क नहीं कर रहा, तो आप इजीली उसको घर पे कैसे चेंज कर सकते हो। मेरे पास जो मॉडल है वो वॉच का W26 है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको बैक साइड से इसको ओपन करेंगे। कोई भी स्मार्ट वॉच है जो मार्केट में अभी मिल रही है तो वो बैक साइड से ही ओपन होगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने आपको चार्जिंग प्रॉब्लम, जो वायरलेस चार्जर से चार्ज नहीं हो रहा, तो उसका सलूशन बताया था। उसमें काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई मेरा वॉच ऑन नहीं हो रहा तो कुछ बताइए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो वॉच को बैक साइड से ओपन कर लोगे। तो उसको ओपन करने के बाद ही आपको वहाँ पे बैटरी का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपको बैटरी को चेंज करना है। पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा अगर आपको ऑन ऑफ करना है। अगर आप स्क्रीन को चेंज करना चाहते हो तो ऐसे सबसे पहले आपको थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा हीट करना होगा कि जो गम लगा हुआ है साइड से वो थोड़ा लूज़ हो जाए। फिर हम रेज़र की मदद से, जैसे कि मैंने अपने नाखून से इसको चारों तरफ से ओपन किया, आप इरेज़र से भी कर सकते हो। तो इस तरह से जो हमारा डिस्प्ले है वो ओपन हो जाएगा, सारा मदरबोर्ड जो इसका है आपको दिखने लग जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई भी वीडियो, आपको कोई दिक्कत है आप मेरे को बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो नॉर्मली जब डिस्प्ले को चेंज करना है तो ये डिस्प्ले के दो जैक हैं, एक टच के लिए है और दूसरा डिस्प्ले के लिए है। तो आपको इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे नया डिस्प्ले लगा देना है। तो वीडियो को पूरा देखें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ और वीडियो बनाने में। आप मेरे को कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो जल्दी कोई और वीडियो लेके हम हाजिर होंगे।